अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हनी भाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा यूट्यूब पर पहला ब्लॉग है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए। अभी हम जाएंगे नहर की तरफ और हम आपको अपनी सांगली की पहाड़ी दिखाएंगे। जिस तरह अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे, तो आप जहाँ से घर से निकलेंगे तो मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें ना, अब हमारी गली पूरी की पूरी खाली है। ये देखें, वो चाचा जी बैठे हुए हैं रोड़ी पर, सिर्फ आग लगा रहे हैं। हमारी गली सारी की सारी खाली है। अभी हम जा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर हमारा सांगला है कैसा। ये देखें, ये हमारे यहाँ पर मदरसा है सामने, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। ये इसको कारी आकर पढ़ाता है। वो मदरसा, वो बच्चे। अभी हम लोग जा रहे हैं नहर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि क्या हमें करना है। पहाड़ी पर जाएंगे शायद, या फिर नहर का रूट निकाल के आ जाएंगे। ये देखें, ये लोग अब आ रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है नहर से। अब हम नहर पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम पुल पर चढ़ने लगे हैं। ये देख, ये नहर है हमारी सांगला हिल की। वो पहाड़ी है, वो देख, ये पहाड़ी। अभी सांगला हिल का आपको वेदर दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर तक पहाड़ी पर जाएंगे ना। वो देखे ना, वो उस तरफ, ये हमारे यहाँ पे टैटा कॉलेज है गवर्नमेंट, जिसको अब ये लोग प्राइवेट करने लगे हैं। और तीन दिन दो दिन हो गए हैं कि चल नहीं रहा कॉलेज। ये देख लें आप, ये हमारी सारी नहर जाती है, तोड़ फैसलाबाद तक जाती है, उससे भी आगे तक जाती है नहर हमारे। हमारे नहीं, यहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो नहर है, ये भी एक हर साल एक आदमी लेती है। यानी ये हर साल इसमें एक आदमी कोई ना कोई डूब के मर जाता है। वो जो पहाड़ी है, वो भी हर साल कोई ना कोई आदमी लेती है। और वो ये तो मेरे सामने आजमाई हुई बात है। मेरे सामने एक बार हुआ था हादसा, कि पहाड़ी से गिर गया था आदमी। उसने या फिर जान के किया कि क्या किया, अचानक किया, उससे क्या हो गया, वो गिर गया। और इसलिए कहते हैं कि साल में एक ना एक तो ये ज़रूर लेती है नहर भी, पहाड़ी भी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 साल हो गया, अब नहीं कुछ सुना गया है। अल्लाह पाक का शुक्र है। अगर नहीं यार, हम लोग वो पुल से चले थे, वो पुल से तो दूसरे पुल के तकरीबन हम मिड में पहुँच चुके हैं। हम ये बस जा रही है कॉलेज की, ये दालते शुरू हो गई यहाँ से। ये हमारे यहाँ पर दालते भी हैं सांगला हिल। ये छोटा भाई जो पानी पी रहा था। अभी हम जा रहे हैं पहाड़ी की तरफ और आपको दिखाते हैं हमारा पहाड़ी से ऊपर से व्यू कैसा आता है, पहाड़ी के ऊपर से व्यू कैसा आता है। वो देखें, ये लिखा हुआ है अदालत हाई जवानी सेशन कोर्ट साथ तहसील सांगला हिल जिला ननकाना साहब। ये सारी अदालतें हैं और ये इसके दो मेन गेट हैं। यहाँ पर उन्होंने ऐसे जैसे पूरी सोसाइटी बनाई हुई है। ये देखें, एक गेट और ये दूसरा गेट। वो अंदर तक रोड जा रहा है, वो देखें। अब ये सारा पठानों का इलाका शुरू हो रहा है यहाँ पर। ये देखें जी, हम पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं, तो अभी हम थोड़ी देर तक अंदर जाएंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं कि अंदर का माहौल कैसा है। ये देखें जी, हाँ ये हम आ गए हैं। ये सारा सांगले का व्यू है यहाँ पर, ये पहाड़ी है। अभी हम आपको ऊपर टॉप पर जाके दिखाएंगे। यार हम लोग अभी पहाड़ी के मिड में पहुँचे हैं, तो सांस चढ़ गए। ये देखें, ये ऊपर से सारा व्यू नज़र आता है। ये अभी ये पहाड़ी का मिड है। ये देखे ना, यहाँ अभी ऊपर टॉप पर जाएंगे, वहाँ से सारा शहर का व्यू पूरा नज़र आता है। ये सारा पहाड़ी का बैक है, यहाँ से पहाड़ी का बैक भी बहुत। वो देखें, अभी हम तो यहाँ पर सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया। हाँ भाई चले ऊपर, थोड़ा सा रह गया। ये हम तो ऊपर जा रहे हैं, अभी वो अहमद आ गया आगे, मैं पीछे पीछे। वो देखें जी आप, व्यू चेक करें। अभी हम टॉप पर जा रहे हैं, अभी टॉप तकरीबन आ गया।
ये देखें हमने गिनी तो नहीं, पता नहीं कितनी सीढ़ियां, और बहुत ज्यादा 200 से ऊपर ही हैं, 200 से बहुत ज्यादा, 200 250 है तकरीबन सीढ़ियां, पर अल्लाह का शुक्र है ये आ गया टॉप। ये 20 की सीढ़ियां हैं अभी भी, टॉप पर चढ़ के तो आपको फिर दिखाते हैं। ये आ गया, ये हम बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह, ये पूरा यहाँ से सिटी का व्यू नजर आता है। ये पीछे सारे टाउन बन रहे हैं यहाँ पर, और ये इसकी झील है। ये पीछे अलग टाउन, वो पीछे सोसाइटी है, कॉलोनी, और वो जो बीच में से नाली जैसी नज़र आ रही है ना, वो नहर है, वो सारी नहर जा रही है भाई। अब हो गया शाम का टाइम, अभी हम चलते हैं घर की तरफ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। क्यों भाई अहमद, लाइक सब्सक्राइब, हाँ ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये पठाने का इलाका शुरू हो गया, ये पठाने के जा रहे हैं यहाँ पर, पठान अपने यहाँ से लकड़ियाँ काटते हैं, वो देते हैं, फिर हर इधर सांगले मजाओं से भी लकड़ी जाती इधर से ही जाती है, यानी जहाँ पर जो पठान रहते हैं वही लकड़ियाँ काट कर बेचते हैं और अपना घर चलाते हैं। ये देखे ना इनके हल्के हल्के घर हैं, इनके मिट्टी के बने चुबारे जैसे। अभी छोटा भाई कह रहा है कि मैंने मदरसे जाना, मेरे पास टाइम नहीं है पहाड़ी पर, हम शाम को चलेंगे। मैं चलो फिर हम पहाड़ी पर शाम को आपको ले जाएंगे। तो अभी छोटे भाई का मदरसे का टाइम हो रहा है, आपको शाम को मिलेंगे। ओके ये जी बस स्टॉप जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देख ये बसें निकल रही हैं यहाँ से, कोस्टर्स, हमारे ज़्यादातर कोस्टर यहाँ पर ही खड़ी होती हैं। आगे लाहौर का अड्डा है, फिर वहाँ से फैसलाबाद का अड्डा, और भी बहुत सी जगह हैं, हाफजाबाद से आलकोट की जगह हैं अड्डे, मगर अभी हम आपको सब शाम को टूर करवाएंगे।